सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से 1000 से भी ज्यादा पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। तालियों के द्वारा अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। विश्व में शांति के लिए जो अपील यहाँ पर की जाती है, वो वास्तव के अंदर यहाँ आने के बाद के अंदर एक ऐसा महसूस होता है कि वास्तव के अंदर यहाँ पर शांति है। और ये माउंट आबू के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे राजस्थान में हो रहा है, इससे बड़ी हमारे लिए कोई दूसरी और कोई बात हो नहीं सकती। मेरी ओर से आपको सबको भी शुभकामनाएं और प्रदेश की जनता को और सबको शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से पुनः मेरी अपील है सब लोगों से कि लंपी वायरस जो बीमारी गाय में चल रही है, उसकी सेहत के लिए गाय की जल्दी जल्दी गायें ठीक हो, उसके लिए आप भी अपील करें, भगवान से प्रार्थना करें। ये मेरी अपील। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ये 3 सालों के बाद ऐसा है कि जब मीडिया महासम्मेलन आयोजित किया गया है और इसमें देश भर से तकरीबन 1900 पत्रकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया से पहुँचे हुए हैं, और इस सम्मेलन में किस तरीके से पत्रकारिता में जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंज है, उसमें पत्रकार कैसे उसमें कैपेबल हो, कैसे अपने को स्टेबल कर सके, इन समस्याओं से कैसे निजात पा सके, इसके पर पूरा विचार मंथन होगा। और इसमें कई मीडिया के विद्वान और विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। मीडिया का सम्मेलन था 2017 में हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था और तब मेरी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, बहुत टेंशन में काम को करना टेंशन, क्योंकि स्ट्रेस में हम काम करते थे। मीडिया का वर्ड ही नाम से ही प्रदर्शित होता है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत है। लेकिन तब से लेकर ज्वाइन करने के बाद, आज ही कोरोना के बाद मैंने फिर वेट किया था, क्योंकि मुझ में बहुत परिवर्तन है, अब ना कोई टेंशन है ना कुछ है, और जैसे ही यहाँ पे हम कदम रखते हैं एकदम नेगेटिव वेस्ट एकदम गायब हो जाता है। मेरा भी जुड़ना संस्था से 5 साल पहले हुआ, और पहली बार मैं 2017 में ही आई थी इस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद से लगातार ही आ रही हूँ। और यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है इस पूरे सराउंडिंग का, वो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं चेंज करता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और वो हुआ, वो इम्पैक्ट मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। इसके बारे में पहले भी जानती थी, थोड़ा बहुत सुनती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उस एक्सपीरियंस को मतलब मुझे लगता है कि अभी शब्दों में बयान करना, उसको व्यक्त करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि आप मेडिटेशन को, जो अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अगर उतारते हैं, सीरियसली उसको फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हैं। मीडिया को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का है,